देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मोदक घर में तुम का करे गईल रालू? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ए तरह के बात गलत बा और हमार मोकिल के जबरदस्ती सोचे पे मजबूर कर जाता। सस्टेन, केहू के जबरदस्ती सोचे पे मजबूर मत करी मिसेस रॉय। सॉरी योर ऑनर, कोनो शादी के मंडप से तू भाग गईल रालू? हमार चाची हम के बिना बताएल ही गुंडा लोगन के साथ भेज दे ले रहे और हम तो वहाँ से छोड़ के भाग गए रानी मेम साहब। लेकिन मनोहरा नहीं जात रानी उदिन। दादाजी जोर कले रहे हमके वहाँ पर रहे खातिर। ओकर बाद माँ के तबियत खराब हो गए रहे, यही खातिर हमके क्यों नहीं जाए थे लस। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मिश्री दास एगो शादी से भाग गई रानी। ओकर माँ के तबियत खराब हो गई और ओकरा बाद मिश्री के ड्रामा के सब लोग विश्वास कर लेने, विशेष कर सिद्धेश्वर बाबू। जे के सिद्धार्थ मोदक के जान बनी। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिश्री तू बैठ सकेलू। मिस्टर विश्वास, अब आप डिफेंस कर सके नहीं। कोसा बोलता नहीं, ये सब और कितना देर तक चली? हमरा ना सफोकेशन हो रहा बा, सब लोग झूठ बोलता नहीं। व्हाट इज दिस? बस सर, और कुछ देर बस हो ही गई। एक्चुअली मॉम बोलत रहली कि आज ही अगर सब कुछ हो जाए तो अच्छा रहे। यही से सरिता हमरा अच्छा नहीं खेलागत। विश्वास बाबू जीती है ना ये रेवती के खिलाफ, सारा सच कहू कैसे चलाकी से घुमा फिरा दे तनी। पिताजी थोड़ा धीरज रखी। विश्वास बाबू तो अभी बोला भी ना शुरू करनी, आखिर में देखा ना कि का हुई। ऑर्डर 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 योर ऑनर, हम भी बहुत लोग से बहुत सवाल पूछ सकत रानी है। क्रॉस एग्जामिनेशन चाहे के रहल तो वो भी कर सकत रानी है। लेकिन हम ऐसा कुछ ना करब कह के इसे अदालत के समय नष्ट हो। हम तो खाली ऑपोजिशन के मुवक्किल सिद्धार्थ मोदक से सवाल पूछे के चाहता नहीं। और आशा करता नहीं कि अदालत के सामने सब कुछ हो एकदम साफ साफ हो जाए। अभी बार आई मजा। सिड, बी केयरफुल प्लीज। जे भी बोलिया सोच समझ के बोलिया। आर यू श्योर मिस्टर विश्वास, आप सिर्फ सिद्धार्थ मोदक से ही सवाल करब? यस योर ऑनर। और ओ दो तीन ही सवाल पूछे के बाद रेवती मैडम के जैसा हमरा इतना सवाल पूछ के फसावे ना वेला। कारण हम जाना तनी क्यों जोन कुछ भी कहली उनकर उस सारा बात मनगढ़त और काल्पनिक बा। हमरा सिद्धार्थ मोदक के सवाल करे के अनुमति मिली योर ऑनर? बिल्कुल, ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। देखो बहुत सवालात भइल, अदालत में बहुत कागज भी जमा भइल, लेकिन अभी बतावा
सच सच बताओ, मतलब तू मिश्री के ऊपर का का इल्जाम लगाओ के चाहता? सच में कोनो इल्जाम बढ़ लो बाकी ना? ऑफ कोर्स इल्जाम बानी, बहुत इल्जाम बानी। ठीक बा, तब बोला एक एक करके। ओके, पहला इल्जाम, मिश्री जगह की चीज जगह पे नहीं खे रखा दिया। हजार बार बोलला के बाद भी हमारे लैपटॉप, चार्जर, पावर बैंक, बाकी की कोई भी सामान जहां तहां रख देता नहीं। ई केकरो बात सुनल जरूरी नहीं है समझत। इनफैक्ट ये सिर्फ बोलता नहीं, केकरो सुने ला नहीं। ई इल्जाम बा? अच्छा, और कौन कौन इल्जाम बा तनी अदालत के सामने खुल के एकदम बतावा। ओके, एकरा हाथ पैर पे कंट्रोल नहीं है। तूफान मेल ट्रेन, तूफान मेल की तरह भागतिया, कहीं भी कौनो चीज के फेंक देवेली, तोड़ देवेली, मतलब जे मन में आए वो करेगी। मिश्री ये सब इल्जाम सुन के नेखे चुप रही है अभी तक। हम कबो भी कोनो भी चीज नेखे तोड़ ले हैं। और आप जो कुछ दिन पहले दरवाजा के हैंडल तोड़ दे रहे ओकर का? हाँ सच में, मतलब जोर से दरवाजा लगावे के खातिर ओकर लॉक खराब हो गई रहे, लेकिन सफर तो हमरा के करे पड़ल ना, पूरा रात तारा के साथ गुजारे के पड़ल। डोंट फॉरगेट दैट। इट्स ऑल ओवर। ये बात आप सबके सामने बोल देनी ना, तब बताएं कि ये डिवोर्स कैसे हुई। अब मिश्री ही हमेशा ज्यादा बोलत रहेली, लग टूटे से सफर तो हम कई करे के पड़ल ना, एक दिन पूरा रात हमके तोरा साथ गुजारे के पड़ल रहे। मिश्री डिस्गस्ट। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये सब का बा मिसेस रॉय? केस कैला के बाद भी एक ही साथ एक ही रूम में रात बितावत है ये लोग? आप तो लिखले बानी ये लोग अलग रहे ले एक ही घर में, लेकिन एक रूम में ना? इस सच बा मैम, जे बात ही लोग बतावता नहीं वो एगो एक्सीडेंट बा। एक्सीडेंट? नो योर ऑनर, अभी सुननी ना, अभी आपके सामने सिद्धार्थ कालन के जोर से धक्का दिला से वो लॉक टूट गई रहे। ई एगो गुस्सा में कल गई काम रहे मिस्टर विश्वास, ई बात के पकड़ के जबरदस्ती ई शादी के बचावे की कोशिश मत करिया, ई अच्छा बात ना बा। आई स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ताकि ओ बड़ा उस जगह पर केहू भी मौजूद ना रहे। तो फिर कैसे प्रमाणित हुई कि गुस्सा से कल गल रहे या फिर इच्छा से कल गल रहे? अजीब बात बा, इच्छा से कल गल लेकर का मतलब बा, इच्छा से काहे करब बताई हमरा के? ई तो देखा तू ही जाना तरह, लेकिन जितना जानकारी हमरा लगे बा, जोना रात के ई भइल रहे ओ दिन तू देर रात के केहू के बिना बतले अपना बहिन के ससुराल गई रहला मिश्री से बात करे खातिर। अब सच का भाई तू बताइबा अदालत के सामने?
हम अदालत के बाहर भी झूठ नहीं बोलतानी। हाँ ये बात सच बा कि हम उदिन अपन बहिन के ससुराल गईल रहनी ई जाने खातिर कि मिश्री अपन डिवोर्स के बाद कहाँ रही का करी, मतलब हमरा के लगता ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बानी, हमारा ड्यूटी बा। एक्चुअली कोर्ट में जे तरीका से आप हमरा के विलन बनावत आनी हम इतना भी बुरा नहीं खे, यही से हम गईल रहनी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? सिद्धार्थ हम बात करता नहीं। और कोनो बात ना मिसेस रॉय, दोनों पक्ष की बातें और सभी प्रमाण देकर आज अदालत सिद्धार्थ मोदक और मिश्री दास के निर्देश दे पा कि ई दोनों के अपना रिश्ता के सुधारे खातिर जल्द से जल्द कोनो मैरिज काउंसलर के पास जाए के पड़ी। अदालत के निर्देश के अनुसार 15 दिन के अंदर अंदर इनका के कोनो मैरिज काउंसलर के पास जाए के पड़ी, साथ ही वहां के रिपोर्ट अदालत मिला के पेश करे के पड़ी। अब ई केस के नेक्स्ट हियरिंग हुई 3 हफ्ते बाद। का समझ लो मिश्री, विश्वास चाचा जी को बहुत बड़का चाल चलने बड़े। ई केस ता रेवती मैडम हार गिल पड़ी। आजा चला। बेटा तू दोनों एक ही साथ घर चल जा लोग, बाकी बात घर जाके हो जाई। हमरा ते लड़का के चेहरा देखे के मन नहीं खेवत। का करे के का चाहता है? डिवोर्स के प्रस्ताव आपके तरफ से आयल रहे पिताजी, हमरा तरफ से ना, हम खाली समर्थन दे ले रही आपके। लेकिन अभी तक देख के ऐसा लगा था कि आप भी एगो खेला खेला था नहीं। हमरा से बहुत बर्दाश्त नहीं किया। काहे सब लोग इतना झूठ बोलत रहनी बताई था? सच के कोई काहे नहीं एक्सेप्ट कर रहल बानी। ऐसा भी तो हो सकेला कि हम दोनों एगो कमरा में फंस गई हुई, इमें कौन बड़का बात बा? सो व्हाट्स द बिग डील? दादाजी का हम शादी में विश्वास कर ले बानी का नहीं खे ना, तो का संबंध के ठीक करी, कौन संबंध के ठीक करी? दादाजी हम तो शुरू से ही कहत रहनी है कि शादी के कंसेप्ट में हमरा के बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तब मैरिज काउंसलर के पास हम काहे जाएं? हमरा के समझ में नहीं कि आवत हम इस सब में काहे पड़ी। आई डोंट नो। सिद्धार्थ तू का करता रहा? ये कोर्ट रूम है, पब्लिक प्लेस। जे बोले के हा घरे जाके बोलिया। चलो 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 आवा चलो चला। आजा मिश्री। गोपाल जी, गुस्सारा साहब बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ गए हैं अभी। गुस्सारा साहब के तनी शांति दे दी। मिश्री तक कबो देखे चाहे लेगी केहू के भी तकलीफ होके कबो देखे चाहे ली ना गोपाल जी। अरे सुनो तरह लोग, कहा बड़ा सब लोग, आ जाओ लोग, आ जाओ लोग,
आज के हेरिंग के कहानी सुन के जा लो। का भइल बतावो था? अरे मिठाई तू ठीक तो बड़ो ना? तोरा के ज्यादा सवाल तो ना पूछी ना। अरे बाबा कौनो कुछ कहे नहीं के बोलता, बोला ना। ए माँ आप चुप कर बे तब तो हम ना कुछ बोलब। और तू का सोचता रू मिश्री के पुलिस पकड़ी का पूछी ओकरा के बताई। ऐसन मत बोला सरिता, हमने के समय में डिवोर्स वगैरह कहाँ होत रहे। अरे धतरे के का भइला से बतेबा आप छोटका बाबूजी। मेहमान अदालत निर्देश दिले बा कि सिद्धार्थ और मिश्री के संपर्क करे खातिर मैरिज काउंसलर के पास जाए के पड़ी। वेरी गुड, मतलब शादी टूटल ना। मतलब शादी टूटल ना, इतना अच्छा बात बा है ना। बाबा घर के सब लोग कितना परेशान रहले, दौड़ दौड़ के कोर्ट गई ले जैसे सिड और मिश्री के डिवोर्स आज ही हो जाए। केहू ए ना सोच ले कि हम चाहत बानी सिड और मिश्री के शादी टूट जाए। ए छोटी बहू का ये सब बात अच्छा लगे लगा तोरा? तू तोरा रुका था? ए जी सुनता नहीं, बोलता नहीं, ये जो फैसला भइल बा ना एकरा का होई? हां का होई दादी माँ? ता एमे बड़का भैया और मिश्री के एक साथ मैरिज काउंसिल के पास जाए के पड़ी, समझ गई लू? सुना 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 दादी माँ, हम समझा बतानी। सोचा मतलब ये सोच ली कोनो कारण से आपके और दादाजी के बीच में अनबन हो गई। बाबा इका कहता रहा तू? नाना नाना ये कैसे हो सीरियल वाला भैया? हाँ अरे नाना मुझे कहले ओकरा छोड़ा है। अभी सुनो दादी माई, बात है कि ये विवाह के जो संपर्क है ना, मतलब मैरिज काउंसलर के, वो का करी है कि मतलब यदि आपके और दादा के खातिर अगर ऐसा घटती तो आपके और दादा के आप बहुत तरह के प्रश्न करे, और वह प्रश्न के उत्तर के बाद ही अगर मन में आप लोग के कुछ गलत बात रही या कोनो दुख रही अभिमान रही ये सब कुछ भी रही ना, तब परामर्श देवे वाला आपके बात सुन के परामर्श करी तो का कही ये समस्त विषय के समझला के बाद आपके समस्या के समाधान करी। राजीव भैया आप लोग अभी भी वो बारे में बात कर रहा बानी? जो भी होके एक बात हम सबके स्पष्ट रूप से बता देता नहीं कि हम कौनो मैरिज काउंसलर के पास नहीं जाए। एक्चुअली सबके पता बा कि हम मैरिज के कंसेप्ट में विश्वास नहीं करे, नहीं तो ही मैरिज काउंसलर के पास जाए के कोनो सेंस नहीं। एनीवे ये सब फालतू काम में हम अपन समय बर्बाद नहीं खे करब, बहुत हो गई लव। ये बात हो के अब बोले के ना चाहिए सिड, कहे कि मैरिज काउंसलर के नौबत तहार वजह से आई बा। मतलब का कह ली हम? देखा कोसा सच बात तो बोले के ही पड़ी, तहरा के पता बा कि हम झूठ नहीं खे बोल सकता नहीं। और कोर्ट के सेशन ना एगो गंदा फाइट में बदल गई रहे, हमरा के अच्छा नहीं खेलागत। आंटी कोर्ट में जे तरीका से बात बोलत रहनी उके बाद सोम भैया और घर के बड़ा बेटा मिस्टर मोदक इस शादी के जौन तरीका से प्रेजेंट के लिए रहे उस सही नहीं खे, राइट? बट सर मॉम ताई पहले ही बोले रहे कि जे जे बोले के बाद सब सोच समझ के बोले के बाद। और सब तक सच ना बोल सके लेना, कहे कि सब सच बोला पे केस बनी है ना, है ना? और तो अभी जे सब बोलत बारे ता तो म्यूचुअल डिवोर्स पे राजी कहे ना भले रहे। कहे कि ऐसे झूठ बोल के सिस्टम के ठगल जाला और ये हम कबो नहीं होके दे, यू अंडरस्टैंड? एनीवे जो कुछ भी हो गईल हम और ई झमेला सबे नहीं खे पड़ल चाहता नहीं। हम ई घर के सब लोग के रिक्वेस्ट करब हमरा के प्लीज अकेला छोड़ दी, हमरा ना माथा फट रहल बा, अब ना होई हमरा से ई सब। आई रियली नीड अ ब्रेक, प्लीज गिव मी अ ब्रेक।
दादाजी आज जे कुछ भी भइल बा ओकरा से मॉम बहुत अपसेट बाड़ी काहे कि मॉम के एगो रेपुटेशन बा ना समझ सकत नहीं अपसेट भइल तो जायज बा राजीव अब सिद्धार्थ फटाक से एक साथ रात बितावे के बाद कह दी हम ना तना पता रहे दादाजी मॉम तब फोन करी है ना और यहाँ तक बिल्कुल नहीं है बोले बाड़ी यही से हमके इस सब बोले खातिर भेज ले आई दो हफ्ता तक कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मिश्री और सेठ के मैरिज काउंसलर के पास जाए के पड़ी ना था केस सच में बहुत लंबा चली और वायलेशन अब कोर्ट ऑर्डर हो जाए प्लीज आप लोग इस सब बात पे सोच के देखिया और दादाजी आप ही तो इस केस खातिर मॉम के बुलाए ले रहनी है ना जे भी हो हमके बस यही बोले के रहे हम बाद में ये सब बात करब चलाता नहीं मिश्री रानी बहुत मजा आयल ना तो के आज पब्लिकली सेट के साथ मजाक करके बहुत मजा आयल ना हंसी मजाक भइल कोर्ट के ऑर्डर भी तोहरे पक्ष में भइल लेकिन तू ये सब देख ले बाड़ू का सेट के मुंह कितना छोटा हो गई सोच बुना कोर्ट में ताज बहुत हंसी मजाक करत रहलो ओ सॉरी हमके ज्यादा कुछ बोले के ना चाहे वरना आप लोग तो हमके ही बुरा समझो चलत बानी ये बात तो आप सबके सामने बोल देनी ना मिश्री बहुत ज्यादा बात करेली लॉक टूटे के कारण तो सफर तो हमके ही करे पड़ल ना एगो पूरा रात हमके तरह साथ गुजारे के पड़ल रहे डिस्कस्ट दादाजी हम अपन मर्जी से आपके पोता के साथ मजाक नहीं की कैसे ये सब हो गईल ना मतलब समझ रही ना मतलब मिश्री कोर्ट में भी सेठ के साथ मजाक करत रहली सब लोग ये सब देख लिए लेकिन केहू कुछ बोल ले ना ये सब का हो रहल बा घर में हमके तो समझ ही नहीं खियावत अच्छा माँ मिश्री तब कहली कि वो सब जान बुझ के ना कहले बाड़ी वो तब बात बात में ओकरा मुँह से निकल गयल ना ना पूजा छोटी भाभी कोनो गलत बात ना बोलनी हा मिश्री इस सच में गलत भइल बा सिद्धार्थ के साथ ऐसा मजाक करब ठीक ना बा और उहो कोर्ट में देखा सिद्धार्थ तोरा से उम्र में बड़ बा और माना या ना माना उ तोरा से बड़ बा हर वक्त ओकरा के लेके मजाक करब ठीक ना बा हाँ माना तनी हमसे भी गलती भइल तोरे के साथ हंस देनी ई बात ना तोरे पिताजी के बोला जब तब देखा मिश्री के बुला के बोला तनी सिद्धार्थ कैसे बोला तारा नकल करके दिखावा था ना ना ये ठीक ना बा हमरा के जाने के बाद ई शादी रही कि ना रही अच्छा मैं एगो बात बोलो था ब्याह का एकर शुरू से ही कोनो तरह से अर्थ सही रहल देखिए हमरा सके जे इच्छा से हम बोल रहे लेकिन असल कथा बात है सिद्धार्थ और मिश्री उ दोनों का चाहला है ना वो दोनों ब्याह के मानेला कि ना मानेला ये ब्याह के सब आगे चले के चाहता कि ना ये तो असल प्रश्न है
का बाबूजी, कल यही प्रश्न के जवाब तो आप इतना जल्दी ना मिल पाई। आज के नाम सब केहू बड़ा आसान था, बुझली ना, ये आलोचना के ना आज के दिन आप छोड़ दी। दादाजी, आप समय पाके सिद्धार्थ से कुछ बात कर ले, कारण कोर्ट के ऑर्डर तो निभावे के ही परी ना। मिश्री, तू ना एक बार अच्छा से सिट के सॉरी बोल दिया, ठीक बा? अच्छा, अब हमने के घर चले के पड़े, चला? हाँ माँ, हमाऊ के जाए के चाहिए। पिताजी हम जाता नहीं, छोटे भैया आवत नहीं। हे भगवान, सावधानी से जाइए। हाँ माँ, आत्मनी। चलो। ए मिश्री, ए दिल छोटा मत कराना। देखिए सुल्लू का बड़का भैया का बोल के गेली अभी, उनकर अभी बहुत माथा दर्द कर रहल बा। एगो अच्छा सा कड़क कॉफी बना के देबू ने तो उनकरा के? हमें वो काम करते हैं ऊपर जाते ही और आपके गुस्सा वाला साहब के नीचे भेज देते हैं हम। ए रुका रुका रिंकी, एक का बोला तानी, हम लोग ऊपर जाइब और बड़का भैया के नीचे भेज? हाउ? अरे बाबा छोट भैया, हमने के कुछ करे के ही ना पड़ी। मतलब वो दिखा, बड़े भैया अपन हेडफोन नीचे भूल गए बारे, वो खुद आई है नीचे। अरे तो फिर तू कहाँ है रुकल बाड़ू? चला 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 मिश्री जल्दी। अरे चला। मिश्री, ए मिश्री, बड़का भी आ रहा है, जल्दी करा जल्दी। गोपाल जी, इनका दिमाग थोड़ा शांत रहे प्लीज। कॉफी मिश्री, बातों ही बातों में सबके सामने नकल कर देली दादाजी के पोता के। मिश्री सॉरी बोल रहा बड़ी, सॉरी सॉरी। फिर कबो भी मिश्री आपके नकल नेखे करीब, दादाजी के पोता से एक बार माफ करे खातिर सोच रहल बाड़ी। अरे बड़का भैया, मिश्री के एक बार माफ कर दाना।
देखा तब सच में ओकरा बहुत बुरा लग रहा बाप, गिल्टी फील कर रहा बाड़ी वो बेचारी। प्लीज। हाँ बड़े भैया, प्लीज। बड़का भैया, आप ही अब हमेशा मिश्री पे इतना गुस्सा काहे करत रहनी? यू नो, तहरा सब के वजह से ही लड़की के इतना हिम्मत बढ़ गई बा। वो हर दिन एगो ड्रामा करत आनी और तू लोग देख के हंसत आनी। तहरा लोग के काम मन बा, वो हमार मजाक उड़ाइल छोड़ दी। हमरा के एगो बात बोला नकल कई इतना आसान बा का? हाँ सुने सिद्धार्थ मोदक के ना, केहू इतना आसानी से नकल नहीं कर सकता, केहू में इतना हिम्मत नहीं है। ओकरा के बोल जे कर सकता नहीं वो है करे, बाकी सब छोड़ दे, ये सब ड्रामा ना करे। एक ना पहले से ही सर फटल जाता, ताहर सब की ड्रामा देख के ना और दिमाग खराब हो जाला। डिस्गस्टिंग। रिंकी दीदी, हमके माफ कर देले का? हमके तो लागल रहे कि हमके अब ये बोली है। मिश्री, तोहर हिम्मत कैसे भइल कि तू हमार सामने के खड़ा हो गई अभी? गोपाल जी, आप काहे इतना मिश्री के नॉनसेंस बना के भेज ली है बताई तो? हम कुछ भी नहीं की कहानी। क्या बोल ले रहनी हम? देखा, सब भूल गए ताहर सब के जीनियस। इम्पॉसिबल। हे भगवान, कितना देरी हो गई लास्ता। अगर आज हम अभी चाय और नाश्ता करके घर से नहीं खे निकलनी ना, तो आज तक बहुत ही देरी हो जाए। पूजा दीदी, आजकल आप इतना जल्दी काहे उठ रही बताई था? एक्चुअली मिश्री, हमारा ना नींद खुल गई और हमारा टाइम ही ना पास होत रहे। चल हम तार हेल्प कर देता नहीं। हमके ना ना ना, हेल्प करके कोनो जरूरत ना बा हमके। अच्छा अगर आपके मन बात, चलिए हमरा साथे, हम बात करब आपके साथे और साथ साथ काम भी कर ले। चला रिंकी, पढ़त बाड़ू? हाँ बोलत बानी, पढ़त बाड़ू ना मतलब बुक तो उल्टा पकड़ ले बाड़ू। ओ अब देखनी ना, सोचने की पढ़ा भाम। अच्छा रिंकी, तू सच सच बतावा था तो के का भइल बा? देखा पूजा, आप का होई, का हो जाए, लेकिन कल रात ना अच्छा से नींद देखे आयल और आज भी सुबह सुबह नींद टूट गिल रहे हमार, यही खातिर थोड़ा सर थोड़ा ब्लैंक हो गिल रहे। का मिश्री, चाय बनेबू का? ना ना, हमार चाय हो गई बा, आप ना सिर्फ सबके चाय दे दी। अरे देखा, सीरियल वाला भैया भी आ गए हैं। आप बाहर जाइब का? रुकी, हम आपके खातिर नाश्ता बना देते हैं।
ना मिश्री, हमरा के कोनो जल्दी नहीं खे। हम कमरा में जाता नहीं, तू बुला लिया। बड़े भैया, थैंक यू पूजा। पूजा, रिंकी शायद तारा के कुछ बोलल चाहत रहनी। एक बार जाके देखा था, का बोला था नहीं सुना था ठीक से। वो कुछ ठीक नहीं खे अभी। जा, हम कमरे में जाता नहीं। रिंकी दीदी, आपके निकट जमाई बाबू की याद आ रहल बाना अभी। बोली ना रिंकी दीदी, आपके कैसा लग रहा बाप? दुख हो रहा बा का? थोड़ा सा बोली ना, आपके मन थोड़ा सा हल्का हो जाए। बोला ना। हाँ रिंकी, बोला ना। देखा अभी तक छोट भैया बड़े भैया के हो ना बा, बोला ना तू। इससे पहले कि तू हमके एगो बात कह पूजा, लेकिन सच बताई बो। हाँ बोला ना तू, कहाँ जाने के चाहत बाड़ी? ये जो रोहित के साथ हमार शादी हो खलबा, शादी के इतना सारा रसम भइल तो कि एक बार ही बुरा निकला था। तो कि रोहित के बात निकली आदल का पूजा, रिंकी रिंकी तू ये सब कहा बोलत बारू? बोला था रिंकी दीदी, नेका जमाई बापू पूजा दीदी के जीजा जी हैं। पूजा दीदी पुराना बात कैसे याद करके रखी है बताई? सही करनी ने पूजा दीदी? सब कुछ भुलावे के इतना आसान नेखे बा मिश्री। और रोहित पिता अभी तक कुछ भी नेखे बुला पाइल बा। और नेखे बुला सकते हैं यह सजबा। पूजा दीदी, पूजा आप दीदी, हमके छू के बाद बताई था नेका जमाई बाबू आपसे दूर चल गए हैं हमेशा खत। आप हम लोगों की कुछ काहे नहीं बतानी रिंकी दीदी? रिंकी, इतना बड़ा बात हो गई और तू हमरा के कुछ ना कहला? रोहित का कहले बनी तारा के? तू सब बात अब भी हमरा के बतावा, हम राजीव भैया से बता बतानी। यहाँ का हो का रहल बा? प्लीज छोटका भैया, प्लीज सब बात केहू के भी आप केहू के बतावे की जरूरत नहीं है। वहाँ मैनेज कर लेब ना, मैनेज कर लेब। कैसे कैसे मैनेज करे की बात करे थे आप रिंकी दीदी? वो घर पे ना लौट के हमके नेखे बतावा मिश्री। रिंकी, हम बस सोच नहीं पा रहल बानी कि रोहित पूजा खातिर तारा इग्नोर करा था। नाना ई कैसे संभव बा? रोहित ऐसा लड़का ना रहे। रिलैक्स दीपू,
हमरा सबके पता रहे कि रोहित पूजा से प्यार करत रहनी, जानत अनी ना। इनफैक्ट रिंकी भी बहुत अच्छा से जानत रहनी।